हेलो, वेलकम टू एवरीथिंग फॉर फार्मेसी। हम सभी जानते हैं कि प्रेगनेंसीज में बेहतर डाइट की ज़रूरत होती है। डाइट में फल और सब्जियों को शामिल करना चाहिए। मिल्क और मिल्क से बने प्रोडक्ट भी डाइट का बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा होते हैं, लेकिन कई बार डॉक्टर्स प्रेगनेंसी के दौरान एक चीज़ खाने को मना करते हैं, वो है पपाया। वाई पपाया इज नॉट गुड ड्यूरिंग द प्रेगनेंसीज? क्यों पपीता प्रेगनेंसीज के दौरान बेहतर नहीं होता? तो उसके पीछे कारण ये है कि पपीते के अंदर लेटेक्स होता है और लेटेक्स में एक एंजाइम होता है पेपेन, और यह एंजाइम पेपेन ऑक्सीटोसिन और प्रोस्टाग्लैंडिन के समान केमिकल प्रॉपर्टीज को रखता है, जिसके चलते यह यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा देता है। यदि प्रेगनेंसीज के दौरान अधिक मात्रा में पपीता का कंजप्शन किया जाए तो वैसी कंडीशन में अबॉर्शन की संभावनाएं बढ़ जाती है, और क्योंकि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन समय से पहले हो जाता है तो वैसे में प्रीमैच्योर बर्थ की भी संभावनाएं बढ़ जाती हैं, और साथ साथ में पेपेन एंजाइम फीटल मेम्ब्रेन को भी कमजोर करता है, तो फीटस के डेवलपमेंट पर भी इसका असर पड़ता है। इसके अलावा यह इंटरनल ब्लीडिंग को भी प्रमोट करता है, तो ऐसी सभी कंडीशन में कुल मिलाकर फीटस खतरे में होता है और माँ भी खतरे में होती है, तो इसलिए डॉक्टर पपाया खाने से मना करते हैं। बेसिकली ये एडवाइस कच्चे पपीते के लिए होती है। पका पपीता लिमिटेड खाएं तो खतरे की कोई संभावना नहीं होती है, पर डॉक्टर्स कहते हैं कि जब हमारे पास कई अल्टरनेटिव सोर्स हैं तो क्यों रिस्क लिया जाए। तो यही कारण है कि प्रेगनेंसीज के दौरान पपाया को मना किया जाता है। थैंक यू सो मच। फॉर मोर वीडियोज़ यू कैन फॉलो मी ऑन माई इंस्टा एज वेल एज यूट्यूब।